श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके मोर्चे की आरंभता की जाएगी ते ओदी जिम्मेवारी फिर सरकार दी होगी। पंजाब दा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ए दखल अपने आका दिल्ली दे बाबू ते आम आदमी पार्टी दे मुखी श्री अरविंद केजरीवाल दी सिख विरोधी सोच नूं लागू करन अते सिख संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हथियाउण दे मंतव नाल कर रहा है। जे श्रोमणी कमेटी दा अज दा अजलास विशेष सरकार दी इस हरकत नूं सिख विरोधी करार दिंदा है अते इसका हर पद्धर ते विरोध जारी करन दा ऐलान करदा है। ते उहदे विच कहा कि जी ये गाइडलाइन लैके आया मान साहब, मैं धामी हरजिंदर सिंह मैनू 68 साल का हो गया, 41 साल की वकालत मैनू डिकटेट करके काम नहीं चलता। तैनू तो दिल्ली तो लाइन आउंदी आ, तू तो दिल्ली तो लैके बाबू केजरीवाल तो लैके लाइन इत्थे बोलदा, आ एवें नहीं हो रहा। ये ओहदी चाल आ बाबू केजरीवाल की कि पंजाब दे विच राज सत्ता दे नाल हुण धार्मिक हत्तां नूं वी सुत्याला। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का यह विशेष अजलास आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों पंजाब विधानसभा के मिति 20/6/23 के अजलास में लियांदे गए सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 मुकम्मल रूप में रद्द करता है। जिन्हों आप कहने सहजधारी जिहड़ा साबत सूरत अमृत ना छकिया होवे। मेरा कहण तो भाव ये परंपरा अज तक चलती आ ते अज तक सुरजीत आ। आ हुण अज इस हाउस ने फैसला करना कि असी 64 साल पहला साडे बजुर्गों ने पिरतां पाईआं सी उत्ते खड़े हाँ, 103 साल पहला जिहड़ियां पिरतां पाईआं सी उत्ते आपां अज खड़े हाँ। कि आपां अज भी सरकारी दखल अंदाजी नूं अपने मन्नांगे? ते चेता करो आ पिछले दिनी एक बुक रिलीज कीती काला पाणी, ते काला पाणी एक इहो जिही जेल आ, मैं तां गया नहीं पर जिन्ने भी गए आ उह दसदे आ, समुंदर दे विच एक टापू सीगा, उस टापू दे विचों जे किसे ने निकलना होवे ते पाणी च कुदना पैंदा सी, छड नहीं सी सकदे, जेल लोहा गल जांदा सी। लोकां दे गुरु के सिखां दे हड गल गए, गुरु के सिखां नूं कोकड़ूआं वाली दाल उह भी एक वेले ते पाउण नूं दिंदे सी बोरियां। ये मैं तां तुहाडे नाल सांझा कर रिहा, थोड़ी धर्म की आजादी ने उस वेले दे इन्हां लीडरां नूं एक ये दिता आपां कह लईए जिहदी पहल कीती कि सिखां दे विच धार्मिक आजादी की लड़ाई जीती आ, सिखां नूं देश भगती का जज्बा भी दईए। ते उस देश भगती दे जज्बे दे विच उह मैं देखदा सी किताब कि नैशनल पद्धर ते साडे किते ना ही नहीं आउंदे पर 235 ना उन्हें लकेट किते, कहिंदे हाले होर भी ना हैगे आ। ये कारनामे से उन्होंने बजुर्गों के जेडे चले गए मुड़ के वापस नहीं आए, उन्होंने थापड़ा सी केवल ता केवल गुरु साहब जी का। गुरु जी ने बख्शिश की कृपा करके उन्होंने को सारिया सेवावान लिया। मैं निम्रता सहित बेनती करता, मैं पहला भी कहा मजा मसला अज का बहुत नाजुक आ, एक नकाती क्योंकि स्पैशल विशेष अजलास आ। ये अजलास का लफ्ज लफ्ज थोड़ा बोलिया जां मेरा बोलिया जां कोई खिलाफ बोलिया सारा इहदे विच नोट होना। मैं निम्रता सहित पहला भी सारिआं दा धन्नवाद पहले दिन कीता सी, जिहड़े जिहड़े भी इस हक विच बोले आ उह गुरु नूं नमस्कार करके गुरु के सुचारे सिख आ। ते हर एक सिख दा फर्ज भी बणदा ते तुहाडा खास करके जिहड़े तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर चुण के आए आ कि तुसीं अज उस फैसले ते भी मोहर लाओ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਪਾਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ
परपज लई जिस मसले जे अज कतर होए आ मैं आ चांदक लाइना लिखिया जे कोई एदे विच ऐड करानी होवे तुसी मैनूं दे रहे हो ता कि उस तो बाद फिर आपां सारी अगलेरी कारवाई बोलण दी भी करनी आ। ये आपां हाउस इदां ने पे अज 11 बजे ता सद्या सी पे 11 बजे एदी पूर्ति शुरू हो जाऊगी तां तकालां तक साडे कोल समां चलूगा। सो मैं निम्रता साहब बेनती करदा कि आपां पहला सहज दे नाल आपां सारा सारवण कर लईए भी की आए मसला की आ तुहानूं मेरे तो वध पता। मैं बार बार तुहानूं रिपीट नहीं करना चाहुंदा उस तो बाद आपां अपने विचार भी सारिआं ने रखणे आ। सो मैं आ थोड़े जिहे जिहड़े जिन्ने कु मैनूं लगे एक मैं होर भी गल कहनी चाहुंदा कि इह पंजाब दा मुख्यमंत्री शायद पुरातन जिहड़ीआं पिरतां भुल गिआ ते मैं कल एक मीटिंग दे विच सी ते राती क्योंकि मैनूं तां ट्वीट ट्वूट जिहा करने नहीं आउंदे ना मैनूं फेसबुक आउंदी आ ते उहदे विच कहा कि जी इह गाइडलाइन लै के आया मान साहब मैं धामी हरजिंदर सिंह मैनूं 68 साल का हो गया 41 साल की वकालत मैनूं डिकटेट करके काम नहीं चलता तैनूं तां दिल्ली तों लाइन आउंदी आ तूं तां दिल्ली तों लैके बाबू केजरीवाल तों लैके लाइन इत्थे बोलदा आ एवें नहीं हो रहा। ये उहदी चाल आ बाबू केजरीवाल की कि पंजाब दे विच राज सत्ता दे नाल हुण धार्मिक हत्तां नूं वी सुत्या ला ये हथियाउण की ताकत आ सिखां ने कदे बर्दाश्त नहीं कीती ते फिर टिचरां करोगे तुसीं श्रोमणी कमेटी का प्रधान कित्थे जांदा फिर रात नूं नींद भी आ जांदी फिर पे की हो रहा। इन्नी भी आपां जिहनूं कह लईए भी अपना संकोच ना होईए भी अपने आप तों बाहर हो जाइए गुरु साहब कृपा करन क्योंकि बोलन नूं मैं बाद च भी बोलूंगा ते तुहाडे विचार भी सारे सरवण करने आ। पर मैं निम्रता साहब पहलां भी बेनती कीती सी तुहाडे जज्बातां नूं भी नमस्कार आ थोड़े जेड़े आपो विच धड़े धड़े कहण दा सेंस विचारधारा बख बख हो जाती किसी की कुछ उन्हें भी नमस्कार आ। पर एक सुरता दे नाल आ पहला करके फिर सारा जेड़ा थोड़े भी विचार सारे सुनांगे एक सुरता दे नाल इहनूं आपां पास करिए कि आउंदे समय दे विच कोई भी सरकार चाहे पंजाब दी तां करे नहीं सकदी सेंटर दी सरकार भी हीहा ना करे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच कोई दखलअंदाजी की जाऊगी। सूरमियों जे आपां इस गल दे अगे झुक गए वह दिन दूर नहीं फिर अज तां साडे इत्थे मतभेद आ ना फिर तां डांगां तां गल्लां चलणगियां फिर श्रोमणी कमेटी का कोई परपज नहीं रह जाऊगा 1925 का एक्ट सारा डिफीट हो जाऊगा क्योंकि ये लीगल पक्ष भी आ ते सिक्खी का पक्ष भी आ। इस करके मैं थोड़े नाल ये विचार थोड़े जे पहला सांझे कर लए। सो मैं जे किसी ने मैनू होर भी इस ऐड करा वह भी काइंडली मैनू दे दो कोई दिक्कत नहीं उस तो बाद फिर आप सारे बैठ के जेडे विचार भी सांझे करांगे। ये विशेष अजलास 20 जून 1923 श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का यह विशेष अजलास आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों पंजाब विधानसभा के मिति 20/6/23 के अजलास में लियांदे गए सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 नूं मुकम्मल रूप में रद्द करता है। सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 सोध श्रोमणी कमेटी दीआं सिफारशां नाल ही संभव है। सन 1959 में सीनियर अकाली आगू मास्टर तारा सिंह जी और प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नहरू दरम्यान एक समझौता सही बद्ध होया जिस विच साफ तौर पर प्रवान किया गया सी कि सिख गुरद्वारा एक्ट विच किसी भी सोध तो पहला श्रोमणी कमेटी के जनरल हाउस के 2/3 मैंबर की सहमति जरूरी होगी। अज का अजलास सन 1959 विच इस समझौते की भावना एक बार दृढ़ करता होया पंजाब सरकार को सख्त ताड़ना करता है कि सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 को तुरंत वापस लवे जेकर सरकार ने सिख मसलों में दखलअंदाजी बंद ना की ता सिख रवायतां अनुसार श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके मोर्चे की आरंभता की जाएगी ते उहदी जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी। पंजाब सरकार वालों विधानसभा में लियांदा सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 श्रोमणी कमेटी के अधिकार खेत्र आजाद हस्ती से सीधा हमला है क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने अधिकारां तो बाहर जाके श्रोमणी कमेटी के मामले में आप हुदरा ते गैर संविधानक फैसला करन दा कोई अधिकार नहीं है। पंजाब दा मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान
ਇਹ ਦਖਲ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਤਾਜਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਬਈਜੂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜੋ ਦਿਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਉਸੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।